हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, मोर्टर में पढ़ा रहा था और मोर्टर में मैंने आपको क्या बताया, सैंड के बारे में बताया। पहले मैंने आपको मोर्टर का डेफिनेशन दिया, उसके बाद सैंड के बारे में मैंने आपको बताया। हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड, और उसके बाद हमने यूज़ किया टर्म बल्किंग ऑफ सैंड। ये बल्किंग ऑफ सैंड क्या है ये हमने एक्सप्लेन किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मोर्टर में वो है टेस्ट ऑन सैंड। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो हमने सैंड पे करने हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो द टॉपिक इज टेस्ट ऑन सैंड। टेस्ट ऑन सैंड, तो ये टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, मैंने डिस्कस किया था। ये टेस्ट हम लोग करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सुटेबिलिटीज़ हैं सैंड की, सैंड की जो फंक्शंस हमने डिस्क्राइब किया था कल लास्ट वीडियो में, हमने बताया था कि सैंड के कुछ फंक्शन है, वो वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, वो स्ट्रेंथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें वो सुटेबल तभी होगी, वो प्रॉपरली फंक्शन तभी करेगा जब सैंड जो हमारा है वो प्रॉपर हो। सैंड जो हमारा है वो प्रॉपर हो मीन्स सैंड की जो क्वालिटी हो वो सुपीरियर क्वालिटीज़ की हो, तभी जाके वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाएगा। तो उन सुटेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए सैंड प्रॉपर क्वालिटी का है या नहीं, क्या उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ है, इन सारे चीज़ों को चेक करने के लिए हम कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं सैंड पे, और वो टेस्ट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। और उन टेस्ट से आपको पता चलेगा कि हमने कैसे डिटरमाइन किया कि वो सैंड प्योर क्वालिटी का है या नहीं, वो हमारे मोटर में यूज़फुल होगा या नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहला टेस्ट जो हम लोग करते हैं सैंड में, द वेरी फर्स्ट टेस्ट इज आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया। एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, इसमें हमने कुछ सैंड पोर किया। पोर किया मीन्स इसमें हमने कुछ अमाउंट ऑफ सैंड हमने उस ग्लास ऑफ वाटर में डाला, उसके अंदर इंसर्ट किया। अब हम इस सैंड पे क्या करेंगे, थोड़ी देर उसको पहले हम स्टिर करेंगे। स्टिर का मतलब मैंने आपको बताया, प्रॉपरली मिक्स करेंगे। जैसे आप लोग एक शुगर सॉल्यूशन आप तैयार करते हो वाटर में, तो आपने क्या आप क्या करते हो, वाटर के अंदर शुगर आपने डाला और उसके बाद आप स्पून से ऐसे उसे स्टिर करते हो, तो ये जो प्रोसेस है मिक्सिंग का उसे हम लोग कहते हैं स्टिरिंग। तो मैंने क्या कहा, पहले हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें हमने कुछ सैंड पोर किया और उसके बाद हम लोग उसे प्रॉपरली मिक्स करेंगे, स्टिर करेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे। कुछ समय के लिए हम लोग उसे एज इट इज छोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या पानी के लेयर के ऊपर टॉप पार्ट ऑफ वाटर जो है, जो ग्लास में वाटर का टॉप मोस्ट लेवल है, उसके ऊपर अगर कोई सेपरेट लेवल है, कोई सेपरेट लेयर टाइप का आपको दिख रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि सैंड प्योर नहीं है और सैंड में क्ले भी प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें हमने पोर सम सैंड इनटू इट, इसमें हमने कुछ सैंड डाला, पोर सम सैंड इनटू इट। इसके बाद मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, स्टिर द सॉल्यूशन, स्टिर सॉल्यूशन प्रॉपरली। इसका मतलब ने क्या बोला, ये स्टिरिंग का मतलब मैंने आपको बताया मिक्स। तो पहले हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ सैंड डाला, वो 50 ग्राम 100 ग्राम ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन में हमने वाटर कितना लिया, ग्लास ऑफ वाटर के अमाउंट कितनी है वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमने क्या ध्यान रखना है, पहले हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया, उस ग्लास ऑफ वाटर में हमने कुछ सैंड डाला और उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को प्रॉपरली मिक्स किए। अब इसके बाद लीव द सॉल्यूशन एट इज आफ्टर सम टाइम, अगर आपके टॉप लेयर ऑफ वाटर पे आपको एक सेपरेट लेयर अलग से भी दिख रहा है, यू कैन सी द अनदर लेयर ओवर द टॉप लेयर ऑफ वाटर, तो वो क्या बताता है, वो हमें ये इंडिकेट करता है कि सैंड जो है हमारा वो प्योर नहीं है, सैंड में क्ले कंटेंट भी प्रेजेंट है, जो कि ये हमारे मोटर के कंस्ट्रक्शन के लिए जब हम लोग मोटर बनाने जा रहे हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि सैंड ही हमने सिर्फ यूज़ करना है, हमने कहीं पे भी नहीं बताया मोटर में आपको क्ले यूज़ करना है। तो अगर क्ले प्रेजेंट है तो ये हम डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पर से, और उस केस में हमारा सैंड प्योर नहीं है, इम्प्योर है। तो मैंने क्या कहा, स्टिर द सॉल्यूशन प्रॉपरली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इफ सेपरेट लेयर, इफ सेपरेट लेयर इज विजिबल, इफ सेपरेट लेयर इज विजिबल ओवर टॉप ऑफ वाटर, ओवर टॉप ऑफ वाटर, जो हमने ग्लास में वाटर लिया है उस वाटर के टॉप मोस्ट लेवल पे अगर एक सेपरेट लेयर आपने देखा, एक विजिबल है सेपरेट लेयर, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ क्ले, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ क्ले। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सैंड में हमारा क्ले भी है। तो हमने क्या बोला, ग्लास ऑफ वाटर लिया आपने, उसमें कुछ सैंड पोर किया, प्रॉपरली मिक्स किया, आफ्टर सम टाइम इफ सेपरेट लेयर विजिबल इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ क्ले, अगर सेपरेट लेयर आपके वाटर के टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर आप देख रहे हो विजिबल है, तो वो इंडिकेट करता है क्ले है, इट मीन्स हमारा सैंड जो है वो प्योर नहीं है। तो ये पहला टेस्ट था जो हमने सैंड के ऊपर किया। सेकंड टेस्ट हम क्या करते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सेकंड टेस्ट हम लोग सैंड पे करते हैं, क्या सैंड में कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है या नहीं, वेदर सैंड इज हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज और नॉट। सैंड, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, सैंड हमारे पास प्योर चाहिए होगा तभी आप मोटर का जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो आप पा पाओगे, वो आप एग्जैक्टली फंक्शन कर पाएगा। तो वो प्रॉब्लम कब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपने जो सैंड मैंने आपको बोला मेजर पोर्शन ऑफ मोटर सैंड का होता है, तो सैंड अगर आपका प्रॉपर नहीं है, सैंड इम्प्योर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मोटर पे साइड इफेक्ट डालेगा, वो मोटर पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो हमने क्या कहा, सेकंड टेस्ट हमने चेक करना है क्या सैंड में कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं वो देख रहे हैं। तो सेकंड टेस्ट क्या है, टू चेक ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सैंड, टू चेक ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सैंड, टू चेक ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सैंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इम्प्योरिटीज हमने चेक करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वापस एक सॉल्यूशन बनाते हैं। वो सॉल्यूशन किस चीज़ का होता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा। याद रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा का हमने सॉल्यूशन बनाया, और उस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बनाने का मतलब कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड सैंड और वाटर के साथ मिला के हमने एक सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन तैयार किया। इस सॉल्यूशन को हम वापस से स्टिर करेंगे, यानी वापस से मिक्स करेंगे उस सॉल्यूशन को प्रॉपरली, और उसके बाद हम थोड़े देर के लिए वेट करेंगे, और फिर हम देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे अगर वो सॉल्यूशन, इफ़ द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्राउन, अगर वो सॉल्यूशन का कलर ब्राउन हो जा रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि सैंड इम्प्योर है, सैंड में ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो मैं वहाँ यहाँ पे आपको पहले लिख रहा हूँ, आप देखो, टू चेक ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सैंड, make a solution of sodium hydroxide और caustic soda। तो आपको यहाँ पे solution बनाना है sodium hydroxide या caustic soda का along with sand, in a glass of water। तुमने क्या बोला है, ग्लास ऑफ वाटर में हम सैंड ऐड करेंगे और साथ ही साथ क्या ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा। ये आप याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा आप ऐड कर रहे हो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सैंड को फाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला, अस्टिर द सॉल्यूशन प्रॉपरली। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा है, क्या हमें फाइंड करना है, क्या हमें देखना है, इफ कलर ऑफ सॉल्यूशन,
इफ कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू इफ कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्राउन. मैंने क्या बोला, इफ कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्राउन, अगर कलर ब्राउन चेंज हो जाता है, इट शोज presence of organic impurities. तो मैंने क्या बोला, हमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में हमने क्या मिक्स किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा. आपके क्वेश्चन यहां से रेज हो सकते हैं कि विच केमिकल इज यूज इन डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सैंड. तो वो आपके आंसर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा. हमने सॉल्यूशन को प्रॉपरली स्टिर किया, मिक्स किया, उसके बाद हमने अगर कलर ऑफ सॉल्यूशन, इफ कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्राउन, सॉल्यूशन का कलर ब्राउन हो जा रहा है, इट मीन्स ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है. अगर वो ब्राउन नहीं हो रहा, एज इट इज कलर है जैसा सॉल्यूशन का है सैंड का, तो इट मीन्स सैंड इज प्योर. जो हमारे ये सेकंड टेस्ट था, हमने दो टेस्ट देखे. थर्ड टेस्ट जो हमने देखना है, वो थर्ड टेस्ट हमने क्या देखना है, सैंड का जो कलर है, यूजुअली जो सैंड का कलर हमने देखना है कि उसका कलर प्रॉपर है, जो नेचुरल कलर है तो वो शो करता है कि वो प्योर है, अगर नेचुरल कलर नहीं है तो वो शो करता है इम्प्योरिटीज़ है. जनरली हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो वाइट सैंड होता है, वाइट सैंड जो हमारा है वो प्योर होता है. द कलर ऑफ सैंड ऑल्सो शोज इट्स प्योरिटी. तो हमने यहाँ क्या मेंशन करना है, कलर ऑफ सैंड. ये एक फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट मीन्स आपने इसे सामने से देखना है और तब आप कलर डिटरमाइन कर पाओगे. कलर ऑफ सैंड इज वाइट, इट शोज प्योरिटी ऑफ सैंड. ये सैंड की प्योरिटी शो करती है. इफ कलर ऑफ सैंड इज वाइट, इट शोज प्योरिटी ऑफ सैंड, सैंड प्योर है. ये हमारा थर्ड टेस्ट था. फोर्थ टेस्ट जो हम लोग करते हैं, वो फोर्थ टेस्ट हमारा क्या है, वो फोर्थ टेस्ट हमारा क्या है, कुछ चीज़ें. जैसे आपने एक हीप ऑफ सैंड है, सैंड जहाँ रखा है आपने एक कलेक्शन के रूप में रखा है, वहाँ से आप सैंड को हैंड से अपने निकालोगे, अपने हाथ से निकाला और अपने फिंगर के बीच में आपने रब करना है. आप अपने फिंगर के बीच में ऐसे सैंड को लेकर रब करोगे और आपके फिंगर्स पे अगर स्टेन, फिंगर्स पे कोई धब्बा या कोई मार्क आ रहा है, ये शो करता है कि सैंड प्योर नहीं है, क्योंकि प्योर सैंड आपके फिंगर पे किसी भी तरह का स्टेन लीव नहीं करेगा. स्टेन का मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ मार्क्स, दाग या धब्बा, ऐसा कुछ भी आपके फिंगर्स पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा अगर सैंड प्योर है. तो मैंने क्या बोला, आपको सैंड के कलेक्शन में से कुछ सैंड लेने अपने हाथों में और अपने फिंगर्स के बीच में ऐसे आपको अपने फिंगर्स के बीच में उसे रब करना है, और अगर आपको फिंगर, आपके फिंगर पे कोई स्टेन या कोई मार्क आ रहा है तो ये दिखाता है कि वो सैंड आपका प्योर नहीं है. तो ये टेस्ट हमने क्या बोला, टेक सैंड फ्रॉम हीप ऑफ, हीप का मतलब होता है कलेक्शन. आप सैंड रखते हो ऐसे, पूरा ऐसे ग्राउंड पर रखा हो तो सैंड इस तरह से जो आपने बना के रखा है, एक कोन के शेप में बना के रखा है कलेक्शन, उसे हीप कहते हैं. टेक सैंड फ्रॉम हीप ऑफ सैंड, हीप ऑफ सैंड एंड रब इट बिटवीन योर फिंगर्स, एंड रब इट बिटवीन योर फिंगर्स, रब इट बिटवीन योर फिंगर्स. क्या मैंने बोला, टेक सैंड फ्रॉम हीप ऑफ सैंड एंड रब इट बिटवीन योर फिंगर्स. इफ मैंने क्या बोला, इफ एनी स्टेन इज लेफ्ट ऑन फिंगर्स इट शोज इम्प्योरिटी ऑफ सैंड, इट शोज इम्प्योरिटी ऑफ सैंड, इट शोज इम्प्योरिटी ऑफ सैंड.
तो आपने जब फिंगर के बीच में उसे रब किया और कोई स्टेन मार्क आपके फिंगर के बीच में आ रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है कि आपका जो सैंड है वो इम्प्योर है, वो सैंड जो है आपका इम्प्योर है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, रब इफ एनी स्टेन इज लेफ्ट शोज इम्प्योरिटी। अगर स्टेन या कोई मार्क या कोई धब्बा आपके उंगलियों के बीच में आपको दिख रहा है जब आपने रब किया सैंड को, तो ये शो करता है कि वो सैंड इम्प्योर है हमारा। तो ये हमारा टेस्ट है। फिफ्थ टेस्ट जो होता है, वो फिफ्थ टेस्ट एक्चुअली क्या होता है, सर्टन डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ सैंड, सैंड की फाइननेस कितनी है, सैंड का यूनिट वेट क्या है, या फिर सैंड की पार्टिकल साइज ग्रेडेशन क्या है, क्या वो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है या नहीं। जैसे हमने बोला सैंड भी फाइन सैंड होता है, कोर सैंड होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, अगर 1.5875 mm से नीचे के साइज का सैंड हो तो उसे हम फाइन सैंड बोलते हैं, 3.175 से नीचे हो तो वो कोर्स सैंड हो गया, 7.62 mm से नीचे हो तो वो ग्रेवली सैंड हो गया। तो ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, जो साइज हैं पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट साइजेस के होंगे, सारे पार्टिकल्स एक साइज के नहीं होंगे, तो उन साइजों के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या फाइननेस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब चीज़ों का, इन सब प्रॉपर्टीज़ को, ये सब इन सब प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने फाइंड करना है, तो आप यूजुअली अपने आँखों से या डायरेक्ट अपने, जैसे आपने बोला कि ये मैंने बताया यहाँ पे स्टेन फाइंड करना है, आप अपने फिंगर के बीच में रब करके देख लोगे। जैसे मैंने आपको बोला आपको ये देखना है कि सैंड में कोई क्ले की इम्प्योरिटी तो मिक्स नहीं है, तो आपने डायरेक्ट ग्लास ऑफ वाटर में एक थोड़ा सा सैंड डाला और आपने चेक कर लिया। तो उसी तरह से हम फाइननेस मॉडुलस या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन्स सोफिस्टिकेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ को आपको करने के लिए मैकेनिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। मैकेनिकल एनालिसिस का यहाँ पे मतलब है आपको मशीन के रूप में बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन चीज़ों से आप डिटरमाइन कर पाओगे कि फाइननेस मॉडुलस क्या है, या फिर आपने जैसा मैंने आपको बोला पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो वो आपका पार्ट ऑफ अ स्टडी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमने ये बताया कि वैसे चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है, उन चीज़ों को, उन प्रॉपर्टीज़ को आपको सैंड का फाइंड करना है, तो आप ये सब ऑलमोस्ट ये मैनुअल प्रोसेस है, मैनुअल प्रोसेस है, ये सारा कुछ आप लोग अपने नॉर्मली हैंड से बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हो। आपने बस ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसमें सॉल्यूशन मिक्स किया और फाइनली आप अपने नेकेड आई से देख रहे हो क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उस चेंज के बेसिस पे आपने डिटरमाइन किया कि वो प्योर है या इम्प्योर है। पर यहाँ जो मैं इन टेस्ट की बात कर रहा हूँ, फाइननेस मॉडुलस की या आपको मैंने बोला पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मैकेनिकल एनालिसिस, मैनुअल नहीं, मैकेनिकल एनालिसिस करना होगा, यानी मशीन इक्विपमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो क्या इक्विपमेंट्स हैं और वो टेस्ट कैसे कंडक्ट होते हैं वो हमें नहीं जानना है, क्योंकि वो आपसे पूछने वाले नहीं हैं ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में। तो वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, टू डिटरमाइन फाइननेस मॉडुलस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाइननेस मॉडुलस या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों का अगर आपने डिटरमाइन करना है, तो मैंने क्या बोला, इन सब चीज़ों के लिए वी कैरी आउट मैकेनिकल एनालिसिस। मैकेनिकल एनालिसिस का मतलब मैंने आपको बताया, मैकेनिकल एनालिसिस बोलते हैं जो मशीन या इक्विपमेंट्स जो होते हैं सोफिस्टिकेटेड, उन सब चीज़ों से करते हैं। तो टू डिटरमाइन फाइननेस मॉडुलस, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मैं बस इन दो का नाम आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप यूजुअली अपने हाथ से या बिना किसी इक्विपमेंट के मैनुअल तरीके से आप इसे फाइंड नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आपको इक्विपमेंट या मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वी कैरी आउट मैकेनिकल एनालिसिस, मैकेनिकल एनालिसिस मीन्स यहाँ पे इक्विपमेंट आपने यूज़ करना है और उसके बिना आप ये फाइंड नहीं कर पाओगे, कैरी आउट मैकेनिकल एनालिसिस। तो ये टॉपिक आपका था टेस्ट ऑन सैंड। हमने टेस्ट देखे क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, हमने चार टेस्ट देखे और पांचवा मैंने आपको बताया वो हम लोग मैनुअल नहीं कर सकते हैं। तो इन चार टेस्ट देखे, इससे आपके क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं कि अगर एक डिफरेंट लेयर, एक सेपरेट लेयर फॉर्म होता है वाटर के ऊपर, तो क्या ये क्या इंडिकेट करता है, सैंड प्योर है या इम्प्योर है, या ये किस चीज़ के प्रेजेंस को दिखाता है,
कोर्स सैंड के प्रेजेंस को या फिर क्ले के प्रेजेंस को या फाइन सैंड के प्रेजेंस को या नन ऑफ दिस। तो मैंने बोला ये जब विजिबल लेयर एक सेपरेट लेयर अलग से, क्योंकि आपने जब ग्लास ऑफ वाटर में सैंड डाला था तो वो सैंड आपका नीचे जाके बैठ जाएगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ ग्लास। बट अगर वो क्ले है तो क्ले जैसा हम जानते हैं क्ले बहुत लाइट पार्टिकल होता है, उसका वेट बहुत कम होता है, उसकी साइज बहुत कम होती है, तो वो नीचे जाके डिपॉजिट नहीं करेगा बल्कि वो सेपरेट एक लेयर की तरह रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला आप एक ग्लास ऑफ वाटर में अगर आपने ऑयल डाला, आपने तेल डाला, तो तेल का जो ऑयल का जो लेयर होगा वो आपको ऊपर से दिखेगा, तो सेम उसी तरह आपको क्ले का लेयर ऊपर से दिखता है। और उस केस में आपका आंसर क्या होगा, क्ले। अगर क्वेश्चन उन्होंने पूछा एक सेपरेट लेयर इज विजिबल ऑन द टॉप ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, इट इंडिकेट्स, मैंने बोला वो ऑप्शन डाल देंगे वो क्या होता है, फाइन सैंड, कोर सैंड या फिर क्ले या नन ऑफ दिस। तो हमारा सैंड तो होगा ही नहीं, क्योंकि सैंड फाइन हो या कोर्स हो दोनों केस में वो नीचे डिपॉजिट होगा, वहाँ हमारा आंसर क्या होगा, क्ले। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कौन सा केमिकल आप यूज़ करते हो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज फाइंड करने के लिए, तो वो मैंने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा आप यूज़ करते हो। और इसी से दूसरा सवाल पूछ सकते हैं, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू अगर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट द कलर ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज टू, और वो कलर आपसे पूछ लेंगे वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, आपको पता है वो ब्राउन कलर का होगा तब आप बता सकते हो कि वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। थर्ड टेस्ट मैंने आपको बोला कलर ऑफ सैंड इज वाइट, तो वो शो करता है प्योरिटी ऑफ सैंड, जनरली वाइट सैंड को हम कंसिडर करते हैं प्योरिटी ऑफ सैंड को, या फिर जो कलर नेचुरल कलर है वो भी आपका प्योर सैंड हुआ, जिस कलर का सैंड नेचुरली ऑब्टेन कर रहे हो आप वो अगर उसी कलर का टेस्ट के टाइम पे भी, तो इट मीन्स वो सैंड प्योर है। अगर कलर आपके डिफरेंसेस हैं तो वो सैंड की इम्प्योरिटी शो करता है, वो शो करता है कि सैंड में कुछ ना कुछ वहाँ पे मिक्स है जो इम्प्योरिटीज़ हैं और वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होंगी। फोर्थ टेस्ट मैंने आपको बोला कि आपने एक हीप ऑफ सैंड से सैंड को लेना है और अपने फिंगर के बीच में रब करना है, और इसको फिर आपने अगर आपको स्टेन मार्क आपके फिंगर पे प्रेजेंट आता है, कोई दाग या धब्बा आपको दिखता है अपने फिंगर के ऊपर, मार्क्स दिखता है, तो ये दिखाता है कि आपका ये इम्प्योर है सैंड। फिफ्थ मैंने आपको फाइनल टेस्ट क्या बोला, कुछ सोफिस्टिकेटेड, कुछ कॉम्प्लेक्स टेस्ट हैं जो आप मैनुअली कैरी आउट नहीं कर सकते, उनके लिए हम मैकेनिकल एनालिसिस का मैकेनिकल एनालिसिस करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक हमने सैंड के बारे में पढ़ा, मोटर क्या होता है वो मैंने आपको बताया, तो अब मैं बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर। मोटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जहां से आपके क्वेश्चन रेज होते हैं और आपके एग्जाम में भी होंगे। अगर उन्होंने मोटर से पूछना है तो पहला क्वेश्चन वो सैंड वाले टॉपिक से पूछेंगे, और सेकंड क्वेश्चन वो जब भी पूछेंगे आपके टाइप ऑफ मोटर से पूछेंगे। तो वो टाइप ऑफ मोटर्स क्या क्या हैं वो अभी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ मोटर्स। वेरियस क्लासिफिकेशन होते हैं, वेरियस टाइप्स होते हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ मोटर फाइंड करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जो ब्रॉडली हम डिफाइन करते हैं, तो ब्रॉडली हमने चार कैटेगरी बनाए हैं, उन चार कैटेगरीज के अंदर फिर डिफरेंट चार चार पाँच पाँच दो दो मोटर्स हैं। तो ये सारे जो मोटर्स के टाइप मैं आपको मेंशन करने जा रहा हूँ वो सारे मोटर के टाइप आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपके मोटर से पूछेंगे तो वो आपका पूछेंगे कहाँ से, सैंड वाले टॉपिक से। सैंड वाले टॉपिक्स में से क्या क्या पूछ सकते हैं मैंने आपको बताया, सैंड के मैंने आपको टाइप्स बताए थे लास्ट लेक्चर में, वहाँ से पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड से पूछ सकते हैं। मैंने बोला फाइन सैंड का कुछ क्राइटेरिया है, कोर्स सैंड का कुछ क्राइटेरिया है, तो वो साइज़ के बेसिस पे आपसे पूछ सकते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड मैंने आपको बताया था, बल्किंग ऑफ सैंड से आपके क्वेश्चंस रहते हैं और वो क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखेंगे आपको एग्जाम पेपर में, एक क्वेश्चन वहाँ से डेफिनेटली आना है। वो ये पूछ सकते हैं कि बल्किंग ऑफ सैंड इज़ ड्यू टू, वो पूछ लेंगे किसका, हमने बताया था मॉइस्चर की वजह से होता है, या फिर वो ये पूछ लेंगे कि फाइन सैंड, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड में से किस में ज़्यादा बल्किंग होता है, वो भी मैंने आपको बताया था फाइन सैंड में ज़्यादा बल्किंग होता है। तीसरा सवाल वो बल्किंग ऑफ सैंड से ये आपका रेज हो सकता है
कि किस मॉइस्चर कंटेंट के बाद बल्किंग ऑफ सैंड इंक्रीज नहीं, बल्किंग ऑफ सैंड आप फीचर नहीं देखते। जैसा कि मैंने आपको बोला, बल्किंग ऑफ सैंड मैंने आपको बताया था वॉल्यूम इंक्रीज होता है, पर मैंने आपको मेंशन किया था कि एट 8% नियर अबाउट 8% मॉइस्चर जब हो, उससे अगर बियॉन्ड हम जाएंगे तो जो हमारा बल्किंग ऑफ सैंड प्रॉपर्टी है वो हम नहीं कैरी आउट करते हैं, वो हम नहीं देखते हैं, वहाँ से हमें वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है। तो बल्किंग ऑफ सैंड प्रॉपर्टी एक सर्टन मॉइस्चर कंटेंट पे दिखता है, तो वहाँ से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो ये सैंड वाले टॉपिक से आज मैंने आपको टेस्ट ऑफ सैंड बताया, वहाँ से कैसे सवाल पूछेंगे वो मैंने आपको बताया। तो एक सवाल या दो सवाल आपको सैंड वाले टॉपिक से पूछेंगे, दूसरा सवाल जो आपसे पूछेंगे मोर्टार में वो पूछेंगे आपका टाइप ऑफ मोर्टार्स में। तो मैंने आपको क्या बोला, बेसिकली चार ब्रॉड कैटेगरीज हैं जहाँ से हम मोर्टार को क्लासीफाई करते हैं, उन चार ब्रॉड कैटेगरीज के मैं आपको नाम पहले मेंशन करूँगा और फिर उनके अंदर कौन कौन से मोर्टार आते हैं वो मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ हम लोग देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ मोर्टार, मोर्टार के टाइप्स क्या हैं। तो मैंने क्या बोला, बेसिकली आपको मोर्टार में चार ब्रॉड क्लासिफिकेशन किए गए हैं, उन चार ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपके मोर्टार के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो वो क्या चार कैटेगरीज हैं वो मैं आपको देखना बताना चाहूँगा। वो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो है आपका द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया इज ऑन बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी, ऑन बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी। क्या बोला मैंने, ऑन बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी, ये पहला क्राइटेरिया है ऑन बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी। सेकेंड क्राइटेरिया हमारा क्या है, सेकेंड क्राइटेरिया ऑन बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, ऑन बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, ऑन बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। जब हमने मोर्टार टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि मोर्टार टॉपिक में बाइंडिंग मटेरियल हमारा क्या है, सीमेंट या लाइम है। तो मैंने ये भी आपको बोला था अलग बाइंडिंग मटेरियल्स होते हैं, तो उसके क्राइटेरिया पे यहाँ कौन कौन से टाइप्स होंगे वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। थर्ड जो हमारा कैटेगराइजेशन है, ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एप्लीकेशन, ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशन मीन्स हम किस तरह से उसे यूज़ करने वाले हैं और कौन से मोटर कहाँ यूज़ होते हैं उसके बेसिस पे क्या क्या क्राइटेरिया है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, ऑन बेसिस ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टीज। तो कुछ ऐसे भी मोटर्स आपको मैं जब बताऊंगा तो आप देखोगे उनके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ उन्हीं मोटर्स में पाए जाते हैं, तो उसके बेसिस पे भी कुछ टाइप्स हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, चार क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी, बाइंडिंग मटेरियल, एप्लीकेशन और स्पेशल प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारे चार टाइप है, इनके अंदर आपके कुछ मोटर्स के टाइप होंगे, इसमें भी कुछ मोटर टाइप्स हैं, इसमें भी मोटर टाइप्स हैं और इसमें भी मोटर टाइप्स हैं। तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होंगे उसमें मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे रेज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग काइंडली अपडेटेड ऑन जेनिक प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू।